एक हैरान कर देने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जहाँ पर 9 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद वो छोटी बच्ची अपने मामा के साथ कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। जब वो बच्ची पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने कंप्लेन लिखवाई। हालांकि ये मामला कहाँ का सामने आया है ये भी आपको बताएंगे, पर आपको हैरानगी ये जान के होगी कि जब वो बच्ची कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, उसने कंप्लेन लिखाई तो उसने पुलिस कर्मियों को ये बताया कि मेरे पापा मेरे साथ जो है वो गलत हरकत करते हैं, और जब मैं इस चीज का विरोध करती हूँ, यानी कि जब मैं ये चीज करने से मना करती हूँ, तो वो मुझे मारते पीटते हैं और धमकाते हैं। देखिए एक बाप किस घिनौनी हरकत पर उतर आया है कि अपनी ही सगी बेटी के साथ, महज 9 साल उस बच्ची की उम्र है, उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। हालांकि ये चीजें जो है वो उसने अपने मामा के साथ शेयर की, और उसका मामा उसे लेकर जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। अभी मैं बताऊंगी, देखिए मेरठ की खबर निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये खबर निकलकर सामने आई, जहां पर एक छोटी बच्ची अपने मामा संग थाने पहुंची। एक 9 वर्षीय की बच्ची ने पिता पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, और साथ ही साथ वो पिता उसके साथ दुष्कर्म करता था। लड़की जो है वो फिजिकली बीमार रहना शुरू हो गई, उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसके बाद उसने ये चीज अपने मामा के साथ शेयर की, क्योंकि वो लड़की अपने मामा के क्लोज थी। जिसके बाद मामा ने उसे जब चेकअप करवाया तो तमाम चीजें जो है वो रहस्यमय चीजें सामने आई। जिसके बाद मामा ने जब उससे प्यार से पूछा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले तो बच्ची डरी सहमी हुई, कुछ बताने से इनकार कर रही थी, पर ज्यादा पूछने पर, प्यार से पूछने पर लड़की ने जिस चीज का खुलासा किया वो चीज हैरान कर देने वाली है। उस बच्ची ने बताया कि ये व्यक्ति मेरे साथ, यानी कि उसके पिता जो है वो उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, और महज 9 साल उस बच्ची की उम्र है। और इसी के साथ साथ अभी मैं आपको फिलहाल ये भी बताऊं कि जानकारियां इस खबर के साथ जुड़ी सामने आ रही है, हालांकि मेरठ के उत्तर प्रदेश की खबर सामने आ रही है, बच्ची ने अपनी कंप्लेन में लिखवाया है, बच्ची ने कहा है कि उसके पिता उसके साथ गंदा काम करते हैं, और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं, उसे डराते धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पुलिस ने बताया कि मामले में अभी फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है, बच्ची की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है, और फिलहाल अभी बच्ची को जो है वो आशा ज्योति केंद्र भेज दिया है, क्योंकि बच्ची मेंटली तौर पर बड़ी डिस्टर्ब चल रही है। आप अंदाजा लगाए, महज 9 साल की बच्ची के साथ जब उसका बाप ये दरिंदगी भरा काम करता है, तो उस बच्ची की जो उसकी मेंटली हेल्थ है, उसकी मेंटली हेल्थ कैसी हो जाएगी, वो बच्ची कितनी मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी फिलहाल पुलिस ने उसकी काउंसलिंग के लिए जो है उसे आशा ज्योति केंद्र भेजा है, और वहां पर उसकी काउंसलिंग चल रही है वहां पर फिलहाल जो है, ताकि बच्चे मानसिक तौर पर जो है वो तनाव से कम हो सके। देखें एक पिता सबसे ज्यादा सेफ अपनी बच्ची के लिए होता है, बाप अपनी बच्चियों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, बाप अपनी बेटियों के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, और ये कहा भी जाता है कि सबसे ज्यादा बेटियां जो है वो अपने बाप के करीब होती है। पर क्या हो जब एक बाप ही ऐसी दरिंदगी पर उतर आए और इस तरह की दरिंदगी भरी हरकत करे, तो बच्चियां अगर अपने घर में ही सेफ नहीं होंगी तो आप खुद अंदाजा लगाएं बच्चियां कहां सेफ होंगी। एक बाप ने इस तरह की घिनौनी हरकत की, और एक मामा उस बच्ची को लेकर उसका जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, ये पूरा मसला दर्ज हुआ। देखे अगर इस मामे, ये जो बच्ची का मामा था, अगर ये भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता तो आप सोचिए कि बच्ची के साथ और कितनी देर तक गलत होता रहता। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई चल रही है, आगे की जो कुछ रिपोर्ट्स आएंगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। पर अब तक की खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर एक 9 साल की बच्ची का दुष्कर्म किया गया उसके पिता की तरफ से, और उसे डराया धमकाया गया। आगे की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे हैं कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।